अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सैफ और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग टाइम बाय टाइम ट्रैवल व्लॉग्स डालते रहेंगे। इस दफ़ा हम लोग गए थे बुनी गारी जो कि एक चरागाह है और ये तकरीबन बुनी से 9 to 10 किलोमीटर्स के फासले पर पड़ता है। इस जर्नी में आप लोग गाड़ी में भी जा सकते हैं लेकिन गाड़ी आपके पास 4x4 होनी चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप लोग ट्रैक करके जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी ट्रैकिंग को प्रेफर किया और इसके लिए हम लोग सुबह 4 बजे बुनी से निकले, क्योंकि 4 बजे इसलिए निकलना होता है क्योंकि उस टाइम पे गर्मी इतनी नहीं होती और मौसम सही होता है और धूप भी नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग 4 बजे बुनी से निकले थे और जैसे जैसे हम लोग ट्रैक करके ऊपर जाते जा रहे थे तो हाइट और सामान ज़्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल का सामना हो रहा था। जी लोकेशन ये है, हम लोग यहाँ पे अभी ठहरे हुए हैं नाश्ते के लिए। तो धूप भी थोड़ी सी अभी निकली है, 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं हम लोग और यहाँ पे लड़के सारे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। ये देखें आप, आग वाग लगाया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिल रहा था तो हमने सोचा यहाँ पे नाश्ता कर लें। और आगे हम लोगों ने जाना है वहाँ तक, टॉप तक, और वहाँ से आगे भी फिर 2.5 घंटे का रास्ता है, फिर हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ पे नज़ारे सारे। ये आप लोकेशन चेक करें ज़रा। अभी नाश्ता हो गया है जी, यहाँ अच्छा से जी, आगे तो का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से और की तरफ। हम आए थे सुबह 4 बजे, 4 बजे का सफ़र था। अभी हम आए ना, ये नाम है इसका जोखीली, तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया है तो इससे आगे सफ़र है तकरीबन 4 से 5 घंटे का। बिल्कुल ऐसे ही है और ये रास्ता आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। हाइकिंग करके आए हैं तो इतना मुश्किल सफ़र नहीं है, डेस्टिनेशन बस आगे ही है। अच्छा जी, अभी हम लोग लाटोर जो एक जगह है यहाँ पे पहुँचे। यहाँ तक हाइकिंग थी तो यहाँ से आगे थोड़ा सा रास्ता जो है वो प्लेन है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से। और आपको नीचे ये बुनी नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जहाँ से हमने नाश्ता किया था वहाँ से 1.5-2 घंटे की हाइकिंग के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। बहुत अभी टांगे काम रही है तासुरात काम पे टांग रही है। ओके, अब यहाँ से आपको मैं दिखाता चलूँ, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से एक रोड है इसको काट के जो है नदी बनाई थी, अब उसी नदी से हम लोग जाएंगे यहाँ से। गाइस लेट्स गो, गाइस लेट्स गो। Thank you.
ये वो जगह है जहाँ पे थ्री माइटीएस्ट जो पीक्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। फर्स्ट वन ये रहा तेरिजमेर पीक, इसकी हाइट तकरीबन 7700 से ऊपर ही है। और सेकेंड वन यह है और इसका नाम स्टोरोनाट, जो चित्राली जुबान में इसका नाम है स्टोरोनाट। इसकी भी तकरीबन हाइट 7000 से अबव है। और तीसरी जो पीक है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पीछे है ये वाली, इसका नाम बुनिजोम है और इसकी हाइट भी 6500 मीटर से ऊपर ही है। और Ragnian Pashimian Haya Vasipolain Bunio Pico Hamo Kevat ki Moistan Haikitil Oldai Kote Esas Boy Ki Hayakia Sartia Kandure Kurbani di Tiroi Hamo Hai and Gitisuni Spa Musalsal Sot Ganta Safar Kori Haya Totam Hayazomo Hash Navazumian Hamo and Gitisuni Spa Herriante Dad Bosian سوم هستی سلامی دوستیان که کی علاق یا داد تسو واسی پو پو قربانیان و جهان هیا کمیاب بیشه و هشتان چقدر هیا گیلی هفته به هفته حسابا هیا و همو مرامتو کنیم که حسابا که اسپا دورانیشی و غوز هیا کسیان حس بولد گنا بو زیادی بیکو پوک احساس تان مجا پیدا کرو بیکو او غوز هیا همو کرو هیا او غو همو با محنت و سراغ نزیه سوی بیکو چپا ننوینی کایگینی که کیا سومی کوشش کرو که اوغو زیا همو کرو. اور ابھی ہم لوگ آن دی وے ہیں تو یہ راستہ آپ چیک کر لیں کیسے ان لوگوں نے پہاڑ کو کاٹ کے یہ راستہ بنایا ہوا ہے اور یہاں سے پائپس گزارے ہوئے ان لوگوں نے اور راستہ اتنا تنگ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا سا بھی پاؤں سلپ ہوا یہ نیچے آپ دیکھ لیں ان جگہوں پہ بہت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے اور دیکھ کے آرام سے اور جوتے آپ کے صحیح گرپ والے ہونے چاہیے اور یہ کوئی دو ڈھائی گھنٹے کا راستہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے وہاں تک یہ کاٹ کے ان لوگوں نے بنایا ہے یہاں سے یہ گزار کے جانا ہے یہ دیکھیں اور فائنلی ہم لوگ لنچ کے ٹائم پہ وہاں پہ پہنچے اور لنچ کی تیاری کی اور کاشف نے بہت اچھی کڑھائی بنائی ہمارے لیے اور لنچ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ نکلے تھے گلیشئر والی سائٹ پہ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے تمام جو اپنے ایکسیسریز تھے موبائل فون اور کیمرہ وہ سارے بیگ میں رکھے تھے جس کی وجہ سے جو گلیشئر والی سائٹ کے جو فوٹیج تھے وہ ہمارے سے مس ہو گئے اور شام کے ٹائم پہ ہماری واپسی ہوئی ڈنر کی تیاری کی پھر ڈنر کیا اس کے بعد ہم لوگ بون فائر کیا ہم نے اور تھوڑی دیر باتیں شاتیں کی اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے اور اگلی صبح ہم لوگ 5 بجے اٹھے اور واپسی کا راستہ پکڑ لیا ہم نے اور ابھی ہم لوگ پیک اپ کر کے
वापस सेम ही रूट से बूनी की तरफ जाएंगे। वहाँ से अगली सुबह की अभी 5 बज रहे हम लोग उठे और अभी हम लोग बूनी की तरफ निकलेंगे। तो ये अब तो सारे 4 हो गए, तो तकरीबन यहाँ से कोई लगेगा सेम ही 7-8 घंटे लगेंगे हमें बूनी पहुँचने में। और इसी तरह मुसलसल 5-5.5 घंटे चलने के बाद हम लोग बुनी वापस पहुंच गए। और इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में मैं काशिफ, इश्तियाक और वजाहत का दिल से शुक्रगुजार हूं। और उम्मीद यही है कि हम लोग आगे भी इसी तरह प्लान बनाएंगे और किसी नई वीडियो, नई जगह के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।